आज की क्लास में हम फिर से इनकम टैक्स को लेकर आ रहे हैं। इनकम टैक्स की दो क्लासें हो चुकी हैं। एक क्लास में तो मैंने सारे सिलेबस को ओवरव्यू के रूप में समझाया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है। और आप ध्यान रखिएगा कि जो ये आपकी क्लास है, ये बीकॉम थर्ड ईयर के लिए है, थर्ड ईयर के लिए है। ठीक, बीकॉम किसके लिए है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, साफ साफ समझ में आएगा, थर्ड के लिए है, थर्ड ईयर के लिए है। ठीक, तो इसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे ना पढ़ें क्योंकि उनके लिए नहीं है, ये थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है, तो थर्ड ईयर के बच्चे ही पढ़ें। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे थर्ड ईयर के फर्स्ट ईयर के हैं लेकिन उन्होंने थर्ड ईयर की क्लास अटेंड कर ली। कमेंट देख के मुझे लग गया कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, तो हो सकता है उनको सिलेबस से प्रॉब्लम हो कि अभी समझ नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत ऐसे हैं जो मैथ से हैं और बायो से हैं, बहुत ऐसे सब्जेक्ट से हैं, उसके बाद कॉमर्स ले रहे हैं, तो उनको श्योर है कि सब्जेक्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, नहीं समझ में आएगा। चलिए, थोड़ी सी वॉइस की हो सकती है प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी खिचड़ाहट टाइप की, क्योंकि बारिश हो रही है और बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो आसपास बारिश हो रही है, तो इसकी आवाज़ ज़रूर आपको थोड़ी बहुत हो सकती है सुनाई दे या ना दे। चलो ना देगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद चेक करूँगा। फर्स्ट ईयर में नहीं आया लेकिन मतलब एक क्लास में नहीं आया, लेकिन इस क्लास में पता नहीं आया या नहीं। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम देखते हैं कि हमने क्या क्या अभी पढ़ लिया है, क्या क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। ठीक, तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन अभी मेरी क्लास चल रही है, क्योंकि मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन के क्लास के जस्ट बाद रेसिडेंटल चलेगा। रेसिडेंटल स्टेटस अभी नहीं चला है। आपको और एक चीज बता दूं, मैं अभी आपको एग्रीकल्चर इनकम नहीं पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा मैं, एग्रीकल्चर इनकम अभी नहीं पढ़ाऊंगा। आपको पहला चैप्टर तो कंप्लीट होने वाला है, दो तीन क्लास में हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से टिपिकल कुछ ऐसे हैं पार्ट जो न्यूमेरिकल टाइप में है, जैसे रेट, आप किस व्यक्ति के ऊपर कितना टैक्स चार्ज करोगे और कितनी इनकम पर करोगे, कितना परसेंटेज, ये चीज़ें पढ़ने के लिए हमें कम से कम दो क्लासेस तो लग जाएंगे, क्योंकि इसमें और चीज़ें हैं, सरचार्ज है, रिबेट हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी, अभी आगे देखेंगे भी। रेसिडेंटल स्टेटस आई होप कि दो क्लास में मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत है जो है पहली ही क्लास में होगा, दूसरे तीसरे दूसरी क्लास में बेसिक चीज़ें होंगी, वो लगातार कम टाइम में पूरी हो जाएंगी। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि मैं आपको जल्द ही न्यूमेरिकल पे लेके आऊंगा। न्यूमेरिकल मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब ये चौथा पॉइंट आप पढ़ोगे, चौथा पॉइंट मतलब हेड ऑफ इनकम, तो ये पांच हम पढ़ेंगे, उसके बाद भी जो पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे, लेकिन ये पांच हमें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठते हैं और इनकम टैक्स का मेन इंपॉर्टेंट जो है यही है। अच्छा, बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बेसिक तो आपको जानना ही चाहिए कुछ चीज़ें शुरू करने से पहले, और रेसिडेंटल ये भी जानना चाहिए कि अगर रेसिडेंटल नहीं पढ़ोगे तो आपको इस पांच चैप्टर में प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए उसको भी पढ़ना जरूरी है। जी सर, उसके बाद ये पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये सब बाद में हम पढ़ेंगे। देन अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमें पहले चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट में, मैंने कहा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ लिया मैंने, बता दिया रूल, मैंने बता दिया कि कैसे आया, तो आप समझ ही सकते हैं जो चीज़ें यहाँ बन जाती हैं उसे पास कर दिया जाता है। देन आपको मैंने फाइनेंशियल एक्ट कल ही बताया, अभी कल की क्लास में, ये करिकुलम और नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें वो जो आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट कहाँ से कैसे, लीगल डिसीजन, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक, तो ये भी वैसे मोस्टली हो ही चुका है, क्योंकि आपने फाइनेंस बिल मिनिस्टर ये सब सारी चीज़ें पढ़ ली, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें यहीं से, कि बिल बनता है, बिल को पास करके, वो सारी चीज़ें पढ़ा ना आपने कि बिल बनता है, फिर उसके बाद यहाँ से पार्लियामेंट में जाता है, ये सारे एड में जाता है, तो ये लीगल डिसीजन, ये मतलब आप सारी चीज़ें कि कौन डिसीजन लेता है इससे रिलेटेड, आपने आई होप कि सारी चीज़ें पढ़ लिया, मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग, आई होप नहीं, मैं कहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पढ़ा दी गई हैं। हेडिंग डाल डाल के मैंने नहीं पढ़ाई बस, लेकिन मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आपको जब भी नोट्स मिलेगा तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और नोट्स मैं तभी दूंगा जब आपको मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, और नोट्स पे आपको मैं क्या करूंगा, सारी चीज़ें समझा दूंगा, और मतलब वो मेरी रिवीजन क्लास होगी। आई होप कि एक क्लास में मैं पूरा कर दूं, और देन उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, वो नोट्स उसी लिंक के नीचे, मतलब उसी वीडियो के नीचे आपको लिंक के रूप में मिल जाएगा, या मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप बेफिक्र होकर बस खाली पढ़ाई करिए।
आई होप कि मुझे तेज बोलना पड़ रहा है कि बाहर की आवाज ना आए और मेरी ही आवाज सुनाई दे, और मेरी वैसे भी आवाज तेज है। मैं पढ़ाता बड़े जुनून और जोश के साथ, मजे लेके पढ़ाता हूँ, तो काफी तेज आवाज है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं इस क्लास को, और मुझे आई होप बड़ा मजा आ रहा है पढ़ा के, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं, मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखी जा रही हैं। तो व्यू देखकर और क्लासे देखकर, जैसे अभी शुरू किया है फिलहाल में, और कम टाइम में करीब मेरे 170 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी बढ़ता जा रहा है, डेली 1-2-4 बढ़ते रहे हैं। और ऐसे ऐसे आप प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प करिए कि जो ये वीडियो नहीं देख रहा उसके पास शेयर कर दीजिए, वो भी इस वीडियो को देखे, और मेरे क्लास को थोड़ा सा लाइक भी और कमेंट भी कर दीजिए। अगर कमेंट उस बात का करिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, आपको कैसा लगा, या कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट उसमें कर सकते हो। लाइक तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं होता, एक लाइक तो करना होता है, तो कर दिया करिए, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। कुछ नहीं मिल रहा है, बस इसे देख के खुशी होती तो दिखा दो आप लोग देखा। चलिए जो भी है आगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। मैंने आपको बता दिया कि मैंने एक पार्ट आपके फिनिश कर दिए बेसिक में, अब आते हैं दूसरे में। तो ये 2 क्लास में चलेगा, और 2 क्लास में ये सारी चीजें चलेंगी, मतलब अब आपको टोटल और टोटल 4 क्लास, और कोशिश करूंगा कि 3 ही क्लास में कवर कर दूं। वैसे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूं, तो मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं इसे 1 क्लास 2 क्लास में कर दूं। ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि बेटा मैं 1 क्लास में कर दूंगा, रिविजन करूंगा तो ये सारी चीज़ें 1 क्लास में कवर कर दूंगा, 1 घंटे के अंदर, 45 मिनट के अंदर खत्म। कहोगे सर जी बहुत तेज चल रहे हो, आप तो कहते हो नहीं कर रहा चल रहा है, वहाँ बेटा रिविजन है, सारी चीज़ें पढ़ाए हैं, ओवरव्यू देना है आपको कि हाँ ये चीज़ें ऐसे करनी है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, अब हम आज पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट डिफिनीशन पढ़ेंगे। ठीक, इम्पोर्टेंट डिफिनीशन में पढ़ेंगे एसेसिस क्या है, और इसे काट देते हैं क्योंकि यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है आराम से, तो पर्सन क्या है, इनकम क्या है, इंडिया क्या है, और असेसमेंट ईयर है प्रीवियस ईयर, और ये तो वहाँ का टॉपिक है, तो इसे भी कोशिश करते हैं यहीं खत्म हो जाए एक ही वीडियो में, अगर हो जाएगा तो बढ़िया है, 2 वीडियो में उधर खत्म हो जाएगा। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास की तरफ। देखिए ये सारी चीज़ें पीडीएफ बनी है, लेकिन अभी कुछ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये आपको उसी टाइम बताएंगे जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। ठीक, तो हम आते हैं अपने काम पे, हम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, अच्छा हिंदी में भी लिख रहे हैं और आपको इंग्लिश में भी लिख के देंगे, तो आप कोशिश करिएगा कि प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कैसे चाहिए, क्योंकि मैं दोनों में पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको अब से पार्टिकुलर एक भाषा में पढ़ाना शुरू करूंगा, हिंदी में, बाद में मैं उसे इंग्लिश में भी लिखता रहूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी हमारी किस में आती है, हिंदी में पढ़ाएं, न्यूमेरिकल आता है उसे इंग्लिश में पढ़ाएं, तो थोड़ी सी मुझे भी प्रॉब्लम होती है कि हिंदी इंग्लिश में मैं भी पागल हो जाता हूँ, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप हिंदी इंग्लिश को एक करके समझने की कोशिश करिए, दोनों लैंग्वेज में समझिए, और आप एक को लेकर चलिए, आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश को लेकर चलिए, आपका हिंदी है तो हिंदी को लेकर चलिए, लेकिन मेरे पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं दोनों में पढ़ाता हूँ, लेके आपको एक का चलना है, जानना दोनों को, लेके चलना एक को है, जानना दोनों को है। ठीक, चलिए कौन कब काम आ जाए, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पर्सन को, अब इसे हिंदी में कहेंगे व्यक्ति। कहोगे सर जी व्यक्ति के बारे में क्या पढ़ा रहे हो, हम ही तो आप हैं। हाँ बेटा हम ही आप हैं, लेकिन इसके लिए सेक्शन है, और सेक्शन कितना है बोलो, सेक्शन इसका जो है वो कौन सा है, 2 है, और सब सेक्शन 31 है, मतलब 2 और सब सेक्शन 31 में हमारे किसके व्यक्ति को डिफाइन किया गया है। अच्छा सर जी, हाँ जी बिल्कुल, जो हमारा पर्सन है उस पर्सन को हमने किस सेक्शन में डिफाइन किया है, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 31 में डिफाइन किया है। अच्छा सर जी चलिए बता दीजिए सर जी कि क्या है पर्सन, भैया हम ही आप हैं, पर्सन मतलब जो वह व्यक्ति जो क्या करता है, अपने अधिकारों या अपने कर्तव्यों का क्या कर सकता है, पालन कर सकता है, या अपने अधिकारों और कर्तव्यों के अनुसार चल सकता है, या कुछ भी कार्य कर सकता है। व्यक्ति हम हैं, आप हैं, व्यक्ति एक संस्था है, व्यक्ति एक कंपनी है। मैं आपको बताऊं व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं, कहोगे सर जी कैसे, 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होता है,
व्यक्ति क्या होता है? नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जिसे हम कह सकते हैं बनावटी। गलती हो गई। बनावटी जिसे किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। किसके? किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, ठीक, कंपनी का नाम मैंने रख दिया, चलो एक होटल ओपन करते हैं, बढ़िया खाने के, मतलब खाने में बड़ा मजा आता है और मैं पसंद भी करता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक। आप भी करिए, हेल्थ बनाइए अपना, खाने से ही सब कुछ है, कमाते लोग हैं इसीलिए खाने के लिए। फास्ट फूड मतलब फालतू की चीजें नहीं खाना है, अच्छी चीजें खाइए, लेकिन अपना मील जो ले हो सके। चलिए खाने की बात करते हैं। मैं अपना एक होटल बनाता हूँ, अपने होटल का नाम रखता हूँ एटीपी होटल। क्या सर जी, कोचिंग के नाम से होटल भी चलेगा? हाँ भाई, चला देते हैं, चलो होटल चल गया। अब ये होटल किसके नाम से जाना जाएगा? क्या वो जानेगा कोई कि इस होटल के जो ऑनर है वो अतुल पांडे हैं? बहुत कम ही लोग जानेंगे। जो लोग खाना खाने आएंगे या जो लोग वहां पे डिनर करने, जो भी कुछ करने आए, पार्टी करने आएंगे, चाय पीने आएंगे, मतलब होटल में मेरे जो आएगा वो जाएगा, लोगों को ये बताएगा नहीं कि अतुल पांडे का एक होटल है। किसका है? अतुल पांडे का होटल है। नहीं भैया, वो जाके बताएगा कि आपके मार्केट में, अपने मार्केट में एक होटल खुला है, एटीपी होटल है, बहुत अच्छा होटल है, हम चलते हैं वहां पे, चाय बहुत अच्छी मिलती है वहां पे, भोजन बहुत अच्छा मिलता है वहां पे, फास्ट फूड भी बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब हर एक चीज वहां के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने वो वैरायटी, वो क्वालिटी दी है। तो मेरे अगर वैरायटी और क्वालिटी और सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी तो मेरा नाम नहीं बढ़ेगा, ये नाम अतुल पांडे नहीं इंक्रीज होगा, ये जहां है वहीं रहेगा, लेकिन जरूर एटीपी क्लास, एटीपी होटल इंक्रीज करेगा, पर डे बढ़ता जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, कोई कंपनी है मान लीजिए, तो उस कंपनी को चलाने वाला कौन है ये नहीं जाना जाता है। आजकल लोग बहुत ऐसी कंपनियां हैं जिनको यूज करते हैं लेकिन उसके बारे में उसे जानते नहीं है, ठीक। हम सारी चीजें, लैपटॉप जानते हैं, एचपी है, लेकिन हम कंपनी को जानते हैं, कंपनी का नाम ज्यादा फेमस है, ना कि इसके ऑनर का, किसने लैपटॉप की कंपनी, जो मतलब एचपी कंपनी किसने ओपन की थी, ये उससे मतलब नहीं है। हमें एचपी कंपनी से मतलब है कि एचपी कंपनी बहुत अच्छी है, या डेल की कंपनी बहुत अच्छी है, एप्पल की कंपनी बहुत अच्छी है, हमें उनके व्यक्ति से मतलब नहीं है, हमें उस कंपनी से मतलब है। लेकिन इस कंपनी को बनाने वाला कौन है? वो एक व्यक्ति है जो नेचुरल है। कौन है? एक व्यक्ति है जो नेचुरल है, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है, और जो व्यक्ति के द्वारा निर्मित किया गया है उसे आर्टिफिशियल कहेंगे। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीजें, हम अगर किसी कंपनी पे जाएंगे, अच्छा मान लीजिए होटल में आपके कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए खाने में कोई दिक्कत आ जाती है, भोजन में हमारे कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप किसके ऊपर एफआईआर करेंगे? अतुल पांडे के ऊपर करेंगे या आप एटीपी क्लासेस के ऊपर करेंगे? बिल्कुल, आप एटीपी क्लासेस, एटीपी होटल के ऊपर करेंगे, ना कि अतुल पांडे के ऊपर करेंगे। मेरे ऊपर नहीं करोगे भैया, मेरे होटल के ऊपर आप एफआईआर लिखोगे, सर एटीपी होटल में मैंने खाना खाया और मुझे फूड पॉइजन, या मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वहां का खाना नहीं अच्छा है, या जो भी है, वो सारी चीजें आप उसके ऊपर करोगे, उसका एफआईआर होगा, मुझे इसके केस लड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसने मुझे सारे अधिकार दे रखे हैं, या मैं इसके लिए जो मैनेजर, जो क्या करूंगा, मैनेजर नियुक्त करूंगा, वो मैनेजर जाके ये सारे केस हैंडल करेगा, जो भी कुछ होगा इससे रिलेटेड, पैसे होटल में जाएंगे, मतलब किसी को रसीद दोगे वो इसी के नाम से जाए, भाई बिल दे दो ना, पैसे लोगे, बिल दोगे, तो बिल किसके नाम से काटोगे? मेरे नाम से काटोगे यार? नहीं ना, बिल के ऊपर किसका नाम लिखाओगे? कहाँ से बिल पाए हो? एटीबी होटल से बिल पाए हैं। एप्पल की, एप्पल का फोन या लैपटॉप लिया आपने, क्या एप्पल के मालिक का नाम लिखे आता है कि कंपनी वहां से एक एप्पल लिया, और ये नहीं, एप्पल का वो अपना ब्रांड लोगो सब कुछ लिख के आता ना, तो आप समझ गए होंगे आई होप बहुत अच्छे से। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या कर रही हैं? वहां से डिफाइन की जा रही है।
तो आप वृत्त को समझिएगा, कट गया है, मैं फिर से लिखता हूं, पर्सन टू सबसेक्शन 31, ये सेक्शन, क्लियर। चलिए, मैंने आपको दो बता दिया, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, ये दोनों सारी चीजें बता दी। नेचुरल हम आप हैं और आर्टिफिशियल हमारे द्वारा, आपके द्वारा बनाई गई कोई संस्था, कंपनी, फर्म या कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो व्यक्ति हो गया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति होता है वही क्या होता है, क्या करता है, कर को देता है। कहते हैं ना, कौन व्यक्ति पैसा देगा, तो नेचुरल देगा या आर्टिफिशियल देगा, ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल देगा या किसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो ये सबसे पहले ये डिफाइन करना जरूरी है कि इसका पर्सन कौन है, इसका किस व्यक्ति के ऊपर काम किया जाएगा। FIR लिखाने जाओगे, किस व्यक्ति के ऊपर लिखाओगे, आर्टिफिशियल या नेचुरल के ऊपर, किसके ऊपर, तो आपको ये सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, व्यक्ति कितने प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं? तो हम कह सकते हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब जिसे कह सकते हैं एक व्यक्ति, वो एक व्यक्ति हो सकता है। दूसरा एक हिंदू, अविभाजित परिवार, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक, जहाँ पे मतलब परिवार होते हैं वो बंटवारा कर लेते हैं या अलग हो जाते हैं, अविभाजित मतलब सॉरी जो विभाजित होते हैं, अविभाजित तो जैसे बहुत लोग होते हैं, सब लोग मिलके इनकम करते हैं और उसमें से कौन एक पर्सन होता है जिसके पास पैसे जाते हैं, ऐसी चीज़ें, तो वो भी कौन उसमें से टैक्स पे करेगा, ये भी तो जानना जरूरी है भाई। मान लो 10 लोग मिलकर कमा रहे हैं और सभी लोग क्या कर रहे हैं, पापा के पैसे दे, पापा को पैसा दे रहे हैं, किसको, पापा को, तो टैक्स कौन पे करेगा, ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है, एक कंपनी हो सकती है, एक क्या हो सकती है, कंपनी हो सकती है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। चौथा जो होगा वो आपका हो सकता है एक फर्म होता है, फर्म हो सकता है। पांचवा जो हो सकता है वो हो सकता है एक व्यक्ति का समूह, एक व्यक्ति का समूह, एक व्यक्ति का समूह हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ऐसी कई चीजें हैं। सत्ता को हो सकती है, और नगर पालिका हो सकता है, जिला परिषद हो सकते हैं, ऐसे बहुत आएंगे, ठीक। तो आइए आगे चलते हैं। अच्छा, एक आता है ये AOP, एक व्यक्ति का समूह, वन पर्सन नहीं होता है, ये AOP अलग होता है। AOP मतलब हो सकता है इसका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और इसको हम कह सकते हैं व्यक्तियों का संघ, ठीक, इसे कहते हैं जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए या उसके कार्य के लिए क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो भी उसमें से कौन देखा जाएगा, टैक्स देगा। तो ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति से ही रिलेटेड हैं। मेन आपको याद रखना है उनका क्या कहते हैं कि इसे, इसमें कौन कौन आते हैं, तो ये आप याद रखिए कि एक कंपनी आती है, चलिए फिर से बैठ करके हम बता देते हैं। याद रखिए कि एक इंडिविजुअल पर्सन आता है और एक HUF होता है, AOP होता है, मतलब एक कंपनी होता है, फर्म होता है, ये सारी चीज़ें, और उसके सेक्शन याद रखिए, बस सब सेक्शन, ये दो चीज़ें याद रखिए, समय बस बात खत्म, इसे मतलब नहीं है कि इसका क्या है। चलिए, पर्सन के बाद हम पढ़ते हैं करदाता, SSCs, AWS,
SSE, ठीक। करदाता, इसका जो सेक्शन है वो फिर से लिखते हैं, सेक्शन 2 है और सब सेक्शन 7 है, ठीक। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन। करदाता वह होता है जो क्या होता है, कर कर चुकाने का क्या होता है, उत्तरदायी होता है। हम कह सकते हैं, लिख लीजिए, करदाता वह होता है जो कर चुकाने के लिए, जो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक। करदाता वह व्यक्ति होता है जो कर चुकाने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मतलब ये कैसा व्यक्ति, मान लीजिए मैं इनकम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, तो उस पैसे का जो टैक्स चार्ज होगा वो कौन करेगा, मैं करूंगा या कोई और करेगा? ओके सर जी, कमा तो आप रहे हो, फिर करेगा कौन? हाँ बेटा, करेगा कोई और। कब? जब मैं कमा रहा हूं वो सारे पैसे पापा के अकाउंट में जा रहे हैं, उसके सारे निर्वहन पापा कर रहे हैं, तो फिर टैक्स कौन चुकाएगा? क्योंकि पापा के अकाउंट में जा रहा है ना, तो पापा की इनकम इंक्रीज हो रही है, मेरी तो नहीं हो रही है ना, तो पापा उसका टैक्स पे करेंगे। अच्छा सर, ऐसा भी होता है? हाँ बेटा, ऐसा होता है। जब आप क्या करोगे, डायरेक्ट पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे पैसे, तो वही तो जाने कि टैक्स कौन चुकाया। तो ये, या हम कभी कभी क्या होता है, इसमें कई चीजें होती हैं, हम कभी कभी किसी को करदाता मान ले बता देते हैं, जैसे गवर्नमेंट के उसमें नोट कर देते हैं कि कौन कर देगा, तो एक होता है करदाता। अब इसमें करदाता दो होते हैं, एक माना हुआ हुआ जिसे डीम्ड, माना हुआ करदाता, ये को मतलब जिसे मान लिया जाता है। भाई मान लिया, मैं कह दूं कि मेरा टैक्स पापा देंगे, चलो ठीक है पापा, फिर उसमें नॉमिनी पापा हो जाएंगे तो वही टैक्स देंगे, ऐसा चीज मतलब। अच्छा, करदाता वह होता है जो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। मान लीजिए मैं इनकम कर रहा हूँ तो मैं चुकाऊंगा, पापा कर रहे हैं तो पापा करेंगे, या मैं जिसके अकाउंट में, मतलब पैसा जिसके अकाउंट में दिखाएगा वही उसको पे करेगा। एक तो होता है करदाता, जिसको कह दिया जाए करदाता, जो मतलब टैक्स दे रहा है, तो पापा दे रहे हैं तो पापा करदाता है, मैं दे रहा हूँ तो मैं करदाता हूँ, ठीक। लेकिन एक माना हुआ करदाता होता है, माना हुआ जैसे अभी आपको बताया, इसी बातों में सब छिपा हुआ है। माना हुआ करदाता वह होता है जो क्या होता है, डीम्ड, मतलब जिसे कह सकते हैं डीम्ड एसेसेस, डीम्ड एसेसेस, ठीक। तो डीम्ड मतलब माना हुआ करदाता, और वो करदाता जो क्या होता है, हम कह देते हैं कि हाँ ये इस पैसे का या इस टैक्स को ये व्यक्ति चुकाएंगे। मान लो हम इनकम कर रहे हैं, अपने छोटे भाई से कह दिया, वो मतलब नॉमिनी उनको कह दिया ये चुकाएंगे, तो वो चुकाएगा, ठीक। तो मतलब जिसको मान लिया जाए कि हाँ ये टैक्स पे करेंगे, तो वही माना हुआ करदाता होता है। एक भूल चूक से होता है, एक क्या होता है, भूल चूक से होता है, डिफॉल्ट जिसे कह सकते हो, एक हम लिख देते हैं, भूल चूक से करदाता। ओके सर जी, भूल चूक से कैसे हो जाता है, डिफॉल्ट, ठीक, एलटी डिफॉल्ट, भूल चूक से। मान लो एक मैनेजर है, मैनेजर है, मैनेजर ने क्या किया, अपने किसको, वर्कर को क्या दिया, सैलरी दी। अब इस सैलरी पे क्या होना है, टैक्स चार्ज होना है, क्या होना है, टैक्स चार्ज होना है। लेकिन गलती से मैनेजर ने उसे मान लीजिए 10,000 देना था, इतने पे नहीं लगता है टैक्स, लेकिन मैं एक छोटा अमाउंट लेता हूं, उसे 10,000 टैक्स देना था, सॉरी 10,000 रुपए उसे सैलरी देनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे 10,000 रुपए दे दिए और इसमें जो टैक्स परसेंटेज चार्ज होता है वो नहीं चार्ज किया।
तो अब तो ये पैसे लेके चला गया, कौन वर्कर सैलरी लेके चला गया, उसको जितना मिला भाई उसने, अब उससे जब दोबारा कहा जाएगा कि मुझे इतनी इसके टैक्स नहीं चार्ज किए वापस पर, वो कहेगा सर जी आप तो दे दिए थे सैलरी, ये आपकी गलती है, तो वो कहीं मुकर जाए, फिर ये टैक्स गवर्नमेंट तो टैक्स ले ही लेगी, तो गवर्नमेंट कहेगी कि एक काम करो गलती तुमने की है, तो टैक्स कौन भरेगा, टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स पे करेंगे कौन, मैनेजर साहब, कौन करेगा, मैनेजर साहब, उसकी इसके अमाउंट की ये गलती हो जाती है। तो ऐसा अक्सर माना जाता है कि भूल चूक से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस जो टैक्स इनको पे करना था वर्कर को, उसे मैनेजर ने सामने कर दिया, तो ये गलती से हो जाता है, भूल चूक हो जाती है, कई गलती हो जाती है, तो उसके लिए टैक्स उनको पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट तो दे ही देती है। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दो चीजें पढ़ चुके, तीसरा आप पढ़ते हैं कौन सा, आय, चलो पढ़ लेते हैं आय, जिसे हम कह सकते हैं इनकम। एक व्यक्ति के द्वारा जो भी कुछ कमाया जाता है वो क्या होता है, उसके लिए इनकम होता है। ठीक, पांच हेड से इनकम कमाते हैं, आपको बता दिए हैं, सैलरी देखो आके दिखा देते हैं, चलो यहाँ पे ये देखो, ये पांच हेड हैं, 1 2 3 4 5, यहां से जो भी इनकम होती है, जो भी पैसे हम कमाते हैं उसे इनकम कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको डिफाइन यहाँ से ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो आय हमारा जो है वो कौन सा है, धारा 2 है, मतलब कह सकते हो सेक्शन 2 है, और सब सेक्शन कितना है, 24 है। ठीक, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 24 है, सेक्शन जरूर याद रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन में जब लिख रहे हैं जैसे आय पूछ लिया गया कि इनकम क्या है, तो आप सेक्शन पहले लिख दीजिए, इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको हम बता दें सीधी कि आय जो होती है वो कुछ भी हो सकती है, कोई लाभ की रकम हो सकती है, ठीक, कहीं से कमाई गई हुई होती है, कहीं से पाया गया होता है, बहुत ऐसी चीजें होती हैं, या ट्रस्ट के रूप में, या संस्था को क्या करते हैं धार्मिक स्थलों या पुण्य के रूप में दिया जाता है, तो वहां भी तो इनकम होती है, या वैज्ञानिक शोध संस्था संघ के लिए भी दिया जाता है पैसा, वहां भी इनकम हो रहा है, खेल कूद संघ के लिए पैसा दिया जाता है, ये भी उनकी कहीं ना कहीं इनकम है। अब उस पर टैक्स लगना है या नहीं लगना है ये तो बाद की बात है, लेकिन जो पांच इनकम दिखाए हैं हेड वो तो है ही है इनकम के स्रोत, लेकिन इनकम कहाँ कहाँ से होती है, तो ये आप सारी चीजें, कोई अस्पताल अथवा अन्य संस्थाएं भी हो सकती हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, वहां भी इनकम होती है, हर जगह आपको कुछ भी करिए, मैं पढ़ा रहा हूँ आज नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 15 दिन बाद नहीं, कभी भी क्या होगा, मुझे मेरे जब बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे संख्या में, तो मुझे क्या होगी, एक इनकम तो जरूर मिलेगी, अब वो इनकम जब भी मिलेगी तो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए इनकम ही तो होगा, तो उस पर टैक्स चार्ज होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन वो इनकम की बात है, तो हाँ वो ये मेरा इनकम है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं उसे मान लेते हैं, तो आपको ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आय के लिए ये बहुत ऐसी चीजें हैं, आप बुक उठाएंगे जब तो आपको वहां सारी चीजें, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जितने जहां से आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपकी इनकम है। ठीक, अब आते हैं बात करते हैं कि अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, आपके सिलेबस के एक्चुअली देख के चल रहे हैं, चलो पीछे देख लेते हैं कितने हुए हैं, तो 3 हो गए, अभी पीछे देखते हैं कि क्या क्या बचा। एसएससी करदाता हो गए, पर्सन हो गया, इनकम हो गया, इंडिया उसे कहते हैं जहां पे हम रहते हैं, मतलब रेसिडेंट जहां, अब ये रेसिडेंट जब पढ़ेंगे तो इंडिया हमें समझ में आ जाएगा कि इसे क्या कहते हैं, मतलब आप जहाँ के निवासी हैं वो चीज़ें इंडिया, तो हम अपने यहाँ के जहाँ के कल्चर जहाँ इनकम कर रहे हैं वही चीज़ें। और एक होता है शब्द, ये रेसिडेंट पढ़ेंगे तो आपको वहाँ समझ में आ गया। तो अब आपका बचा है, 4 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई, एक चीज छोड़ रहे हैं और आपका ये कट ही गया है, तो अब आपको असेसमेंट और प्रीवियस ईयर पढ़ना है। चलो आज का ये टॉपिक खत्म भी हो जा रहा है, तो हम अभी क्या करते हैं, हम ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। चलिए
एक मिनट रुक जाए, देख लें कुछ और बचा तो नहीं है, नई टॉपिक छूटे इससे पहले। चलिए कोई चीजें नहीं बची हैं। तो असेसमेंट ईयर को हम कहते हैं कर निर्धारण, यही दो टॉपिक है। मैं और देख रहा था, अगर इसे तो पढ़ाना ही पढ़ाना है क्योंकि लिख लिया। अब इसके बाद मैं देख रहा था कि पीडीएफ मेरे पास एक्चुअली मिल गई है मुझे, कह सकते हैं जो आपके पब्लिकेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम सबको बुक मिलती रहती हैं, तो हर साल मिलती हैं, इस बार नहीं मिल पाई। लेकिन उन्होंने टीचर को क्या किया, पीडीएफ सेंड कर दिया कि सर आप देखिए इस वर्ष का नोट्स बुक नहीं मिल पा रहा है तो आपको हम पीडीएफ देते हैं। तो वो मेरी आईडी पर है, मैं आपको शेयर भी नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी दिक्कत है उसमें। वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए है, जो भी टीचर हैं वही पढ़ सकते हैं। उसमें आईडी और पासवर्ड पड़ा है, जब मैं डालता हूँ अपना आईडी और पासवर्ड तो भी मैं वो ओपन होता है ना, उसे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ ना आप किसी के पास शेयर कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, प्लीज़ आप कभी ये मत कहिए सर मेरे पास शेयर करिए तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगा। होता तो मैं कर देता, लेकिन आपको मैं अभी, मेरे पास कल ही पीडीएफ आया भी है, तो उस पीडीएफ के मैं अभी देख रहा था कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि मैं अभी तक अपने तरफ से पढ़ा रहा था। नोट्स मेरे पास जो भी मैंने बहुत पहले पढ़ाया उसके भी पढ़े थे और अपने तरीके से भी टॉपिक को देख रहे थे, लेकिन इसमें मैंने देखा कि कोई नई चीज़ें चेंज तो नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या होता है हर वर्ष चेंज हो जाता है। तो वही मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी जो चेंज हुई हों या कुछ ऐसा तो वो आपको बता दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी जितना कुछ चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बस आपके रेट में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। कल की क्लास में रेट ही पढ़ेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो आइए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। मेरे पास पीडीएफ मिल गई है, अब आपको कोई टेंशन भी नहीं है कि सर आप कैसे पढ़ेंगे। तो वो पीडीएफ एक्चुअली मुझे समझ लो नई बुक मिल गई, अब जितनी चेंजिंग हुई है नई हुई है, मुझे खोजना नहीं है, आराम से मैं उसे देख देख के आपको पढ़ा दूंगा, ठीक। जो चेंजिंग हुई है वो सारी चीज़ें आपको आराम से, मतलब अब कुछ छूटने वाला नहीं है कि सर ये तो चेंज हो गया है कैसे क्या होगा, अब तो सब कुछ पता चल जाएगा। और इसे हम कहते हैं गत वर्ष, ध्यान दीजिएगा, हम इसे क्या कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष। जिस वर्ष हम क्या करते हैं टैक्स चार्ज करते हैं उसे कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। और गत वर्ष मतलब जिस वर्ष हम क्या करते हैं इनकम अर्न करते हैं, क्या करते हैं, जिस वर्ष हम क्या करते हैं, चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, टैक्स चार्ज करते हैं उस वर्ष। और गत वर्ष जिस वर्ष हम क्या करते हैं इनकम को अर्न करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक। तो जिस वर्ष कमाते हैं उस वर्ष हम गत वर्ष कहते हैं, जो बीता हुआ होता है। अब बीता हुआ हमारे लिए क्या माना जाएगा, 2019-20, और हमारे लिए अभी कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा, 2020 और 2021 अगर ये देखा जाए तो। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा चल रहा है ये यही माना जाएगा, ठीक। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि गत वर्ष और ये दोनों क्या होते हैं, कर निर्धारण वर्ष, ठीक। अब अगर हम कहें कि इसे कैसे समझना है सर, हम कैसे समझेंगे कि ये कैसे होता है, तो आपको तो ऐसे बहुत मोटली चीज़ें समझ में आ गई कि क्या होता है कर निर्धारण वर्ष। जिस वर्ष हम टैक्स चार्ज करते हैं, गवर्नमेंट जिस वर्ष हमारे ऊपर टैक्स चार्ज करती है, हमसे टैक्स लेती है, जैसे अभी 19-20 का टैक्स लिया है इसी बीच में, तो ये माना जाएगा, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पिछला रहा होगा। हर वर्ष क्या होता है, अभी जैसे ये पूरा होगा तो आने वाले मार्च में अप्रैल में आपके ऊपर टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा, ठीक। जैसे आप 31 मार्च को अपना बैलेंस शीट क्लोज करते हो, आपको पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट आती है आपसे मिलती है और कहती है बेटा प्रॉफिट हुआ कि नहीं, मार्च में आपने हिसाब किताब किया। 31 मार्च को जब आप अपना क्या करते हो बैलेंस शीट क्लोज करते हो, मार्च को क्या करते हो बैलेंस शीट क्लोज करते हो, तब आपको पता चलता है कि बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, या बैलेंस की असेट्स ज़्यादा है या लायबिलिटी ज़्यादा है, ये दोनों चीज़ें सारी चीज़ें जब पता चलती हैं तो उसके बाद क्या होता है, अप्रैल में आते हैं गवर्नमेंट आती है आपके पास, कहती है भैया टैक्स चार्ज करो, और आप क्या करते हो उसे टैक्स देते हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपने 31 ये क्या होगा, अगर इसे देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 ये हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें
तो फर्स्ट 2020 और 31st 2020। देखो ये चीजें यहाँ से और ये यहाँ से उठ के यहाँ, क्लियर? एक दिन जस्ट अगले दिन, तो यहाँ तक अभी यहाँ तक यहाँ से शुरू करेंगे आप कमाना और यहाँ 31st तक मार्च तक आप जो भी कमाएंगे उसका हिसाब किताब जब हो जाएगा तो आपको 31st अप्रैल में यहाँ जाके इसी मतलब सत्र में क्या किया जाएगा, आपसे इनकम टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं, इसके थोड़े से और पॉइंट्स, बस यही लास्ट है तो हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। एक चार्ट टाइप में हम बनाएंगे, तो ये हम तीन पिलर देते हैं, ये हम लिखते हैं वैसे आपको पता चल गया 21 और एक मिनट मिटाएंगे तो इससे बढ़िया मैं काट के लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब इसको मैंने बता दिया है कि कहाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बोलो, ये आपको खुद ऐसे चार्ट बना के और मुझे सेंड करना है। मैंने बस थोड़ी सी हिंट दे दिया यहाँ पे क्या करना। अब यहाँ पे अब आपको यहाँ पे लिखना है कि ये असेसमेंट ईयर है या असेसमेंट ईयर है या और प्रीवियस ईयर है, आपको ये खुद डिसाइड करना है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन समझ लो डाल रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे अब यहाँ पे दिखाना है कि असेसमेंट ईयर ये है या ये है, प्रीवियस ईयर ये है या ये है। ठीक, और इनकम हम यहाँ पे अर्न करेंगे या यहाँ पे अर्न करें, टैक्स चार्ज यहाँ पे करेंगे या यहाँ पे करेंगे, ये सारी चीजें आपको मुझे कमेंट में टेलीग्राम पे देना है। ठीक, इसके बाद हम पीछे चलते हैं और इसका हम सेक्शन बताएं, तो सेक्शन जो हमारा है कर निर्धारण वर्ष का है वो 2 सबसेक्शन 9 है, सेक्शन 2 है और सबसेक्शन 9 है। ठीक, और गत वर्ष का है जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3 है। ठीक, कितना है? सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 3 है, मतलब 3 है। आज की क्लासें यहीं समाप्त होती हैं, कल हम आपसे मिलेंगे और कल आपके इस क्वेश्चन का मैं इंतजार जरूर करूंगा टेलीग्राम पर और आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, जो भी वो आपको चार्ज ऑफ टैक्स रेट की कितना परसेंट से क्या चीज़ें डिफाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें। और आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी ना पढ़ पा रहे हैं वो सब लोग पढ़ लें। ठीक।